बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मकसूद आबिद और आप देख रहे हैं जिमल फूड। अच्छा सीन कुछ ऐसा है कि यार आज जो है ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो यार आज जो है ना चिकन कढ़ाई खाते, तो मैंने इसको नाम दिया है चिकन बदोबदी कढ़ाई। ठीक है, ये है जी मेरे पास चिकन बदोबदी कढ़ाई। ठीक है, और ये है जी। ठीक है, अब बदोबदी वाला सीन जो है ना मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। ठीक है, बताऊँगा पहले जो ना अभी ये, क्योंकि गर्म गर्म है और इसको जो है ना घर की मलाई के साथ बनाया। और मेरे पास है जी ये रोटी। ठीक है, अभी इसके बाद ये खमीर रोटी है, तो सबसे पहले मैं निवाला लूँगा जी। ये है जी, ये निवाला लिए आपने। सबसे पहले क्या करना है, आपने निवाला लेना है, और आपको निवाला लेने का सही तरीका, जो बनाने का सही तरीका ना, वो है ये कि आप इसको ना कश्ती, इस तरह कश्ती बना लें। ठीक है, ये वाली इस तरह। अब बनाने के बाद ना आपने क्या करना है, इसको ये इस तरह लगाएं ये जी। ठीक है, ये देखें, ओए होए होए, और ये देखें जी। ठीक है, और ये जो है ना ऑयल, ऑयल नहीं है, ये है मलाई का घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो है सुभान अल्लाह, मतलब बदी। अच्छा, घर में ये बनाई थी। ठीक है, तो मैंने ना इसको छोटी कढ़ाई में शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे इसको मैंने ना इसके अंदर डाली छोटी मलाई, घर की मलाई जो दूध के ऊपर आती। ठीक है, वो डाली, और उसके बाद ना फिर मैंने इसके ऊपर मिर्ची डाली। मिर्ची डालने के बाद फिर ये कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है सीन, ये देखिए जी, ये देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, और ये है जी मेरे पास कढ़ाई। बिस्मिल्लाह, मुझे सुबह रहा चौथ तरीके का गान का, सॉरी लेट मी फिनिश। चाँद फतेह अली खान का जो है ना मुझे गाना याद आ गया, आँख लड़ी बदोबदी बदोबदी कढ़ाई। क्योंकि खाना खा रहे हैं तो गाना नहीं गाना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए सही है। बिस्मिल्लाह, मैं कहता हूँ अखिल लेवल है। आप लोगों ने जो है ना घर आप लोग बाहर के ऐसी जो है ना ऊट पटांग चीज़ें खाते हैं, घर से घर बनवाएं चीज़ें। और ये देखें जी, और ये बिल्कुल बिल्कुल रेशा रेशा हुआ है चिकन, और ये देखें। अच्छा, आप लोग घर की ना चीज़ें घर में भी बनाएं, और खसूसी जो है ना आप लोग खुद भी खाएं, और घर में दूसरों को भी खिलाएं, अपने बड़ों को खाना खिलाएं, खुद खाएं, और इस तरह फैमिली में ना खुशी जो है ना वो सही होती है, खुशी का तासुर फैलता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि नहीं यार, मैंने बहुत जगह से ना बाहर से कढ़ाई खाई है, तो लेकिन जो घर का टेस्ट है ना उसका तो लेवल ही नहीं ना। आपने ऐसे करना है, ठीक है। अब ये जो ना आपको नज़र आ रहा ऑयल, ये ऑयल नहीं है, ये है बेसिक जो मैंने मलाई डाली ना घर की। ठीक है, और इसको मैंने इसमें फ्राई किया है कढ़ाई के अंदर। मैं कहता हूँ उसके ये सारा टेस्ट उसका है, परफेक्ट मसाला ऊपर से ना नींबू निचोड़ा था मैंने, नहीं जब बनाया था उस टाइम। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोग बाहर कैसे जो है ना चीज़ें खाते हैं, आप लोग घर पे बना के खाएं। सॉरी, ऑयली ज़रा ज़्यादा है इस वजह से ना, मलाई ज़रा डाल दी मैंने। भूल गए, ये यहाँ पे रखते हैं ताकि लाइट का जो है ना कम्बिनेशन वो सही बने। ठीक है, यहाँ से ये रोटी तोड़ते हैं, रोटी तोड़ने के बाद इसको कढ़ाई को करते हैं ऐसे, और ये है जी हमारी चिकन वाइट कढ़ाई। वाइट कढ़ाई कह लें, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, खानी है यार वो सुबहना बदोबदी।
ये देखें कि आप लोग बाज़ार से खाते हैं उसका वो टेस्ट नहीं होता जो आप लोग घर पे बनाते हैं, ऐसा है कि नहीं है? बदोबदी कढ़ाई, तो आप लोग भी वैसे परेशान होंगे यार बदोबई का बदोबदी कहाँ से रखती, तो मुझे ऐसे बैठे बैठे मजाक सोचा, मैंने कहा चलो यार इसका नाम जो है ना बदोबदी कढ़ाई रखते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं और ये नहीं वाला, बातों बातों में एक रोटी ख़त्म हो गई, अब हम निकालेंगे दूसरी रोटी और ये भी खमीरी रोटी इसको यहाँ पे रखेंगे और ये ऐसे जी है जी ऐसे ये निवाला बना लीजिए। और ये निवाला बनाने के बाद हम करेंगे इसको अच्छे से मैरिनेट, और ये मैरिनेट होने के बाद कुछ यूँ लगती है, सही है, पानी तो नहीं आ रहा। मैं जो ना आपको क्या लफ्ज़ों में बयान करूं कि क्या टेस्ट बनाए, भाई हमारे घर में तो ना ऐसे ही बनती है भाई कढ़ाई, और मैंने सोचा यार आप लोगों के लिए ना एक वीडियो बनाते, तो उसमें मैंने इसमें जो है ना मलाई डाली, मलाई डालने के बाद इसका जो है ना सोने पे सुहागा हो गया टेस्ट, अच्छा। मुझे ये बताएं कि ये खमीरी रोटी होगी पाए होगे और नली निहारी निहारी, इसके साथ खमीरी रोटी मज़ा करती है या सादा घर की, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। मैं कहता हूँ बस आए तो अगले पिछले जो है ना मज़े और सारे इसने बुरे करवा दिए इसने, है देख ये ओहो बदोबदी मैं तो चार फरी खान वो ये सोच रहे हैं कि यार ये गाना मेरे तक ही महदूद रहे, जो मैंने जैसे बदोबदी कहा तो मुझे खांसी आ गई। वैसे कहते हैं कि खाना खामोशी से खाना चाहिए, लेकिन यार हूँ तहु साड़ी वीडियो इदा चंगी नहीं लग रही, तो अभी कहें यार ये कुछ बोल के दिखावे, तो लिहाजा अभी बोलते पे आप इतने पानी मेरे पानी और इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, ठंडा पानी है, यह मौसम भी चेंज हो रहा है ना, मौसम से याद है कि यार उसकी भी बनाते हैं वीडियो एक दो दिन दे, बल्कि दो चार 15-20 दिन तक ना इंशाल्लाह ज़रा मौसम ज़रा सही हो जाए ना, तो हम जो ना सूप की मुल्तान में है ड्रैगन वॉक, यकीन माने वहाँ पे चाइनीज़ सूप पता नहीं कितने किस्म के सूप है वहाँ पे, तो वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह और आपको ना वीडियो बना के देंगे, तो हम लोगों ने उस दिन पिछले दिनों पिया है क्योंकि मौसम ऐसा है कि शाम में ज़रा ठंड है मुल्तान में और उसके बाद दिन में जो है ना वो ज़रा मौसम गर्म ही है, जाने होने लगी जाने हो जाए तो
इशा का टाइम हो गया अजानों का और ये हमारी लास्ट बाइट, ठीक है। तो वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए नहीं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले पहले ये कढ़ाई कौन सी थी? बदोबदी, ठीक है। तो लाइक शाइक लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स मस्ट कर दें, ठीक है, मस्ट। अल्लाह हाफिज़।